Now, so I will try to explain to you what is marketing in very layman terms. बहुत ही एक आम भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा मार्केटिंग क्या है. परिभाषाएं ऑब्वियसली किताब में दी हुई हैं, लेकिन इसको ज़रा समझें कि ये है क्या. तो इसकी शुरुआत करते हैं. वी वर ऑल लाइक दिस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. हम ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो कुछ ऐसे नज़र आते थे. तो नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इवोल्यूशन ऑफ मैन, राइट. सो वी हैव स्टार्टेड लाइक दिस, and when we were like this, we actually were not having access to anything, and we were just having one task at hand. सिर्फ एक ही काम हमारा होता था, और वो काम क्या होता था, हमें खाना ढूंढना है, और जहाँ भी हमें खाना मिल जाए वहाँ से हमें लेना है और खाना है और सो जाना है. ठीक है जी, यही एक काम था. और हम खाने की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे. ठीक है, तो ये वो दौर था. इट वॉज द टाइम वेन वी वर नॉट हैविंग एनी होम, वी वर रोमिंग अराउंड. सो वेर एवर वी फाइंड फूड वी स्टॉप्ड, और वहीं पर हमने खा लिया, और वहीं पर हम रुक गए, और वहीं पर हम करते रहे. ऐसे आहिस्ता आहिस्ता समय बीतता गया, और जैसे जैसे समय बीता तो वैसे वैसे चीज़ें भी बदलने लगी. देर वॉज अ टाइम वेन मैन हैज़ थॉट कि कब तक ऐसे भागते भागते काम चलेगा, कब तक हम अपनी जगह बदलते रहेंगे. तो उन्होंने एग्रीकल्चर का जो है ना के बारे में सोचा. तो उन्होंने कहा कि हम घूमें क्यों, क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम एक ही जगह रहे, वहीं पर ही कुछ खाने का उगा लें. तो द टाइम वॉज पासिंग बाय. सो एज एंड वेन द टाइम वॉज पासिंग बाय, द न्यू थिंग्स वर कमिंग इन टू पिक्चर, एंड मैन हैज स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स. इंसान ने नई चीज़ें जो है ना वो सीखना अपना शुरू कर दिया. तो जब वो पहले घूमता रहता था, अब वो क्या करने लगा, एक जगह पर रहने लगा, उसी जगह पर खाना बनाने लगा, और उगाने भी लगा खाना. उसके बाद आपका जो है आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें एक्सीडेंटली कुछ हुई, कुछ चीज़ें इंटेंशनली हुई, होती चली गई, और इंसान जो है सीखता चला गया. व्हेन द टाइम हैज़ पास्ड यू वुड रियलाइज दैट कंपेयरिंग टू द अर्ली मैन व्हेन ही वॉज हंटिंग अराउंड फॉर हिज फूड to this time when he has something to his access, man has now access to many things and it was not sufficient for him. He was still looking for something. अब जो उसे मिल गया वो काफ़ी नहीं है, उसके अलावा भी वो और कुछ सोचने लगा. तो ये करते करते एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पर वी वर एक्चुअली लुकिंग एट एक्सटेंशंस ऑफ आवर बेसिक नीड्स. जब अर्ली मैन था तो उसे सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, हम ये कहते हैं ना कि तीन ही चीज़ों की ज़रूरत थी. बट नाउ एज द मैन हैज़ प्रोग्रेस एंड एज द टाइम हैज़ इलेप्स्ड, एज द वाटर हैज़ फ्लोन, वी हैव रियलाइज्ड दैट द ग्रीड ऑफ मैन हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड इवॉल्विंग. सो फर्स्ट व्हेन द ब्रेड वॉज इनफ फॉर हिम टू फिल हिज बेली, नाउ यू सी दैट ब्रेड परहैप्स इज नॉट इन टू द मेन्यूज, द चेरिश्ड मेन्यूज दैट यू वुड लुक एट. रोटी की जगह आपकी पिज्ज़ा ने और अजीब तरह के खाने ने ले ली हमारी. नाउ द क्लोथ्स आर नो मोर ओनली टू कवर आवर बॉडी, अब उनकी ज़रूरत आपका जो है ना दूसरी चीज़ों का जो है ध्यान रखने के लिए भी होने लगी. फॉर एग्जांपल, अब आप कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं पहनते, दिखाने के लिए भी पहनने लग गए. छत पहले आपको चाहिए होती थी, अब छत नहीं, अब आपको स्टेटस चाहिए. तो वट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हेयर that we are differentiating the early man with the man today, and the difference between the early man and the man today is that we essentially have become greedy with time and we have been asking for more. So when we were okay with the limited resources in past, now we are not okay, and when perhaps we are having too much with us today, even then we are looking for ki iske baad kya, right? So this is not something which is not good. And this is not something that we are doing it. This is something which is biologically infused into it by nature of our being. ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं, ये भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम और चीज़ों के लिए जो है ना देखते हैं कि अब इसके बाद हमें क्या मिल सकता है. तो अगर आप इस चीज़ को देखें, किस चीज़ को देखें, ये जो कॉम्प्लेक्स डिमांड स्ट्रक्चर, जो कॉम्प्लेक्स ग्रीडीनेस एक इंसान की जो अभी बढ़ने लगी है, इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये चीज़ जो है ना एक बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, और मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है. अब मार्केटर करता क्या है? मार्केटर ने इस चीज़ को देखा कि इंसान जो है
वो कहाँ से शुरू हुआ था और उसका मांगते 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 वो कहाँ तक आ गया है. ही अंडरस्टैंड्स वन थिंग एंड दैट थिंग इज दैट ही इज लुकिंग आफ्टर मोर एंड द मोर हैज़ नो लिमिट राइट. ही इज इंक्रीजिंग द डोमेन पेरिफरी द बाउंड्रीज द एक्सटेंशन द टेरिटरीज ऑफ दिस मोर. ये शब्द है ना, इसकी टेरिटरीज एक्सपेंड ही होती जा रही है. अब मार्केटर क्या करता है, मार्केटर ये कहता है कि अभी तक जितना मांग रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और मांगो, अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा और बढ़ाओ. तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इन ज़रूरतों की जो इंसान की बढ़ती ही जा रही हैं राइट. तो जब आप इन ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते हैं, वैन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस मोर दिस ज़रूरत ऑफ इंसान, देन यू आर डूइंग नथिंग बट यू आर प्रैक्टिसिंग मार्केटिंग राइट. अंडरस्टैंडिंग दिस ज़रूरत ऑफ इंसान, अंडरस्टैंडिंग दिस डिमांड ऑफ इंडिविजुअल एंड देन ट्राइंग टू गिव हिम समथिंग विच एक्चुअली विल फुलफिल सम ऑफ हिज डिमांड. अब इंसान को लग्जरी चाहिए, लग्जरी के लिए आपने समझा उसको कि हाँ इसे चाहिए, यू हैव लुक्ड एट इट एंड देन यू हैव गिवन हिम समथिंग विच एक्चुअली हेल्प्स हिम इन एक्सरसाइजिंग द लग्जरी राइट. सो इन वेरी लेमन टर्म्स इट इज दिस, जो इंसान की ज़रूरतें हैं उसको समझना और उन ज़रूरतों को पूरा करना, ये आपका मार्केटिंग है. ठीक है जी. तो अब इसी को अगर आप देखें तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है, मार्केटिंग एक सोसाइटल प्रोसेस कहा जाता है. सोसाइटल प्रोसेस इसलिए क्योंकि सोसाइटी की नीड्स के बारे में बात करता है. अभी हमने ज़रूरतों की बात करी तो वो कुछ नहीं, वो नीड्स ही हैं जिससे इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑब्टेन करते हैं जो उन्हें चाहिए. कैसे, ऑफरिंग को यूज़ कर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर वैल्यू जो रखते हैं दूसरों से. और दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका एक मार्केटर हो सकता है राइट. तो दिस इज हाउ द मार्केटिंग इज डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स व्हेन इट कम्स ऑन टू योर बुक्स. नाउ मार्केटिंग की डेफिनेशंस आपको अलग अलग मिल जाएंगी, बट आपको एक बेसिक चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है. और बेसिक चीज़ क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट दीज नीड्स जो बढ़ती ही जा रही हैं राइट. And in coming times, I will tell you that it is not that individual who is actually expanding his needs, but it is the marketer who is making him to expand his needs. And not only to expand his needs, but to make him realize that there is something more for you. Don't be satisfied with what you have, right? Now, with this understanding, this basic understanding of marketing, let me tell you, when I have asked from you what is marketing, and then we had varied opinions. जैसे किसी ने कहा कि promotions है, किसी ने कहा कि branding है, packaging है. तो अब ये देखिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर. बेसिक तौर पे हमने समझा कि मार्केटिंग है आपका क्या, एक नीड को समझना और उसको पूरा करना. अब आप ये देखिए कि किसी की कोई नीड है, उसको आप समझेंगे, तो यानी कि मार्केटिंग कहाँ से शुरू हो रही है आपकी, फ्रॉम द पॉइंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज रिक्वायर्ड राइट. सो विच मीन्स यू आर स्टार्टिंग मार्केटिंग फ्रॉम द पॉइंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डज वन वॉन्ट, किसी को चाहिए क्या, वहाँ से मार्केटिंग शुरू हो रही है. और जब चाहने का पता चल गया आपको कि कंज्यूमर को ये चाहिए, टारगेट मार्केट को ये चाहिए, तो उसके लिए आप वो चीज़ बनाएंगे. तो बनाना क्या हुआ आपका, प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन फॉर दैट मैटर ऑल्सो डील्स विथ मार्केटिंग. प्रोड्यूस कर दिया आपने, तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसको लोगों तक पहुँचाओगे. एक कहावत है मार्केटिंग में, यू कैनॉट फाइंड अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम. काली बिल्ली को अंधेरे कमरे में नहीं ढूंढा जा सकता. तो आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, जब तक लोगों को पता नहीं ये प्रोडक्ट है तो वो लेंगे कैसे. तो आपको उसको प्रमोशंस भी करना पड़ेगा, जो आपने कहा प्रमोशंस हुआ, लोगों को पता चला, फिर वो उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे. तो खरीदने तक भी मार्केटिंग ख़त्म नहीं हो रही है. कंज्यूमर उसे क्या करेगा, कंज्यूम करेगा. कंज्यूम करने के बाद क्या फीडबैक देगा कि अच्छा है, बुरा है, इसमें ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है. आप उसे फिर समझेंगे और उस फीडबैक को लेकर फिर से एक बार आप उसकी ज़रूरतों को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे. सो दैट इज़ हाउ द मार्केटिंग हैज़ इवॉल्व्ड. आई मीन यू सी, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम फिलामेंट बेस्ड बल्ब्स और आज हम कहाँ आ गए हैं. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम CRT टेलीविजन्स, कैथोड रे ट्यूब्स आते थे ना पहले, एंड नाउ वी आर सिटिंग एट LED राइट. सो इन बिटवीन यू हैव सीन LCDs, यू हैव सीन द बिगर CRT बेस्ड टेलीविजन्स. अब जो है LED, अब तो दूसरे TVs को लोग देख ही नहीं रहे हैं, प्लाज्मा एंड ऑल whatever. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज समथिंग विच इज़ इवॉल्विंग राइट. तो ये आपका जो है ये मार्केटिंग है, इनको समझना और इनको पूरा करना. इसी के ऊपर आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं कमेंट करूँगा. नाउ लेट अस ट्राई टू लुक एट दिस मोर, बिकॉज वी हैव सेट एंड वी हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव एग्रीड एंड वी हैव एक्चुअली कन्वर्ज टू द पॉइंट दैट अंडरस्टैंडिंग दिस मोर एंड प्रोवाइडिंग द सोल्यूशंस
टू द कंज्यूमर्स फॉर दिस मोर इज नीड और इज मार्केटिंग नॉट नीड. तो इस मोर को तीन तरीके से जो है आपका समझा जाता है, राइट. सो ये तीन शब्द हैं, दोज हु आर बीबीएस वुड हैव हर्ड दिस टर्म्स, नीड, वांट एंड डिमांड. तो ये तीन चीजें क्या हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. वी आर टॉकिंग वेरी बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग. नीड आर प्योर बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, प्योर बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, एंड नीड्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, राइट. नीड्स आर ऑलवेज देयर. इफ यू एग्जिस्ट, योर नीड एग्जिस्ट. इफ यू एग्जिस्ट, सो बायोलॉजिकली देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड. ये बायोलॉजिकल आपके रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो हमेशा वहां रहेंगी. अब दीज आर देयर. नाउ व्हाट इज वॉन्ट देन? वॉन्ट आर योर सोल्यूशन और योर ऑप्शंस टू योर नीड्स. फॉर एग्जाम्पल, यू आर फीलिंग थर्स्टी, आपको प्यास लगी है. तो एक ये कह सकता है कि मैं पानी पीऊंगा, प्यास लगी है मुझे. दूसरा ये कहेगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए. तीसरा कहेगा मुझे कोल्ड ड्रिंक में भी स्प्राइट दे दो. कोई ये कहेगा कि मुझे जूस चाहिए. व्हाट इज दिस हैपनिंग? नाउ नीड इज वन, और ये वन नीड कौन सी है आपकी? थ्रस्ट. इट्स अ बायोलॉजिकल बेसिक नीड. और इसके लिए आपके पास ऑप्शंस कितने हैं दुनिया भर के. अब मार्केटर का देखो काम क्या है. मार्केटर नोज वन थिंग कि दिस थ्रस्ट इज बेसिक नीड. आई हैव टू गिव हिम सॉल्यूशन फॉर दिस, एंड द सॉल्यूशन कैन बी गिवन इन एन नंबर ऑफ वेज. एंड नंबर ऑफ वेज वर वाटर, जूस, कोका कोला, नॉन कोला प्रोडक्ट्स, बियर, आई मीन एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. सो नाउ वन नीड इज एक्चुअली बींग कैटर्ड बाय एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, एंड दीज ऑप्शंस आर नथिंग बट दीज आर योर वॉन्ट्स, राइट. नाउ इट इज यू मार्केटर हु टीच द पीपल दैट हाउ टू फुलफिल दिस नीड. आई मीन देर विल बी सम पीपल हु वुड से कि प्यास लगी है जूस पी लेते हैं, प्यास तो बुझेगी बुझेगी, थोड़ी एनर्जी भी मिल जाएगी. हु हैव टॉट यू? जब आप खाली बैठे हैं घर में तो हो सकता है आपके दिमाग में आए चलो कहीं घूमने चलते हैं. हु हैव टॉट यू कि जब बोर हो रहा है इंसान तो घूमने चलो, राइट. तो ये वॉन्ट हैं, ये ऑप्शंस हैं जो मार्केटर आपको देता है, राइट. सो वॉन्ट्स आर ऑप्शंस टू योर नीड, विच मीन्स यू कैन फुलफिल योर नीड इन एन नंबर ऑफ वेज, एंड दीज एन नंबर ऑफ वेज आर नथिंग बट दे आर योर वॉन्ट. नाउ द पॉइंट इज दैट इफ यू वुड लाइक टू गो फ्रॉम हेयर टू रिवाड़ी, देन आपके पास कई ऑप्शंस हैं ऐसा करके जाने के. आप गाड़ी में जा सकते हो, आप साइकिल पे जा सकते हो, आप पैदल जा सकते हो, आप बस में जा सकते हो. तो ये वॉन्ट हो गई आपकी. अब कोई ये कहे कि मुझे मर्सिडीज में बैठकर जाना है, वो भी एक वॉन्ट है. मर्सिडीज कार मना तो नहीं करती, मर्सिडीज वालों ने बनाई ही इसलिए है कि आप उस पर बैठे और यहाँ से वहाँ जाएं. बट द पॉइंट इज दैट नॉट एवरी वॉन्ट इज योर कप ऑफ टी. हर वॉन्ट जो है वो आपकी कप ऑफ टी नहीं हो सकती, आप उसको नहीं यूज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मर्सिडीज यहाँ से वहाँ जाने के लिए. सलमान खान अफोर्ड कर सकता है, सैफ अली खान हो सकता है अफोर्ड कर सकता है, बट आई कैन नॉट अफोर्ड, राइट. सो देन कम द कंसेप्ट ऑफ द डिमांड. डिमांड आपका क्या है? दोज वॉन्ट्स दैट आर बैक्ड बाई एबिलिटी टू पे. सो मर्सिडीज इज नॉट माई डिमांड. महेंद्रगढ़ में मर्सिडीज का शोरूम क्यों नहीं है? हम कहते हैं डिमांड नहीं है. डिमांड का मतलब क्या? एबिलिटी टू पे. अब ये एबिलिटी टू पे इज इट इन इट सेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, बिकॉज सम पीपल कैन आर्ग्यू कि अरे सर महेंद्रगढ़ में तो बड़े बड़े सेठ हैं, वो दिन में चार मर्सिडीज भी खरीद लें. सो दिस एबिलिटी टू पे इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन. इन टाइम्स टू कम आई विल टेल यू दैट इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एंड वाटर टाइट कंपार्टमेंट. इट इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर थिंग्स. ये अपने आप में ही बहुत सी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है. बहुत से लोग जिनके पास पैसा बहुत है वो नहीं खरीदेंगे, दे वॉन्ट टू रिमेन वेरी सिंपल. मार्क जकरबर्ग कौन है? फेसबुक. उसके पास कितना पैसा है वो पता नहीं, उसके पास अथाह पैसा है. I was looking at a documentary and this documentary individual were telling that एक हफ्ते में ना एक ही जीन्स और एक ही टी शर्ट पहन के वो घूमता रहता है. वो दिन में 10 भी बदल सकता है भाई, पैसे की कमी नहीं है उसके पास. बट एबिलिटी टू बाय anything एंड एबिलिटी टू पे इज सेपरेट थिंग, बट इट इज कम्बाइंड विद अदर थिंग्स also. सो डिमांड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन. सो वेर इन महेंद्रगढ़ यू कैन हैव सम पीपल हु कैन अफोर्ड दिस, बट द अफोर्डिंग itself alone is not the thing. तो ये तीन चीजें हैं जो आपकी हमें देखनी है. अब मार्केटर क्या करता है? यू स्टार्टेड फ्रॉम मोर, द मोर इज नीड. नीड को समझा और उस नीड को फुलफिल करने के लिए उसने ऑप्शंस दिए आपको. ऑप्शंस क्या थे? वॉन्ट. और फिर उन वॉन्ट्स के लिए उसने देखा कि कौन है इनमें से जो एबिलिटी रखते हैं पे करने की, उनको वो सेलिंग, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्राइसिंग,
and where he will sell, these all are parts of your marketing, right? So now, at least from here on, we should not be saying that marketing is promotions. Promotion is one part of marketing. Research is part of marketing. It's not part of marketing. It is used in understanding the needs. जो BSRM आपने last time जो किया है वो समझने के बाद आप product develop करेंगे, उसका price रखेंगे, जगह देखेंगे कहाँ इसको बेचा जाना चाहिए, और उसके बाद आप जो है promote करेंगे उसे और feedback लेंगे, और दोबारा से वो एक loop जो आपका बनेगा. इतना समझ आया? So these are some very basic concepts of marketing. Now where are we coming from? I mean ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी थोड़ी सी history की जरा बात कर लेते हैं. Now the evolution of marketing is basically divided into some orientations, or these are also fondly called as concepts. इनको concepts भी बोला जाता है. तो ये चार concepts जो हैं आपके marketing में काफी cherished हैं, and they are part of every text which speaks of basic marketing. ये लगभग हर किताब का हिस्सा भी हैं. इस तरह से आपकी marketing जो है वो लगभग evolve हुई है. एक दौर था जब हम राजा महाराजाओं के शासन में रहते थे, उस समय जो है ना आर्मीज का काफ़ी चलन था, चीज़ें प्रोड्यूस होती थी बहुत थोड़े स्केल पर, बहुत ज़्यादा उस स्केल पर प्रोड्यूस नहीं हो रही थी चीज़ें. तो वो जो इरा था, उस इरा को बोला गया प्रोडक्शन ओरिएंटेशन. प्रोडक्शन ओरिएंटेशन मींस व्हाट? बिकॉज देर वाज नो ऑप्शंस अवेलेबल टू द पीपल, देर वर फ्यू पीपल हु वर प्रोड्यूसिंग समथिंग. वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे और जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया वो लोगों ने खरीद लिया, बिकॉज दे डोंट हैव ऑप्शंस. अब आपके पास तो इतने ऑप्शंस हैं, पहले वो ऑप्शंस नहीं थे, जो भी उन्होंने बनाया लोगों ने ले लिया, राइट? तो लगभग 1920 तक ये कहते हैं कि ऐसा चला कि जो भी मार्केट में अवेलेबल था वो उठा लिया. लोगों ने ये नहीं कहा कि इसमें ये कमी है, ये ऐसा होता तो अच्छा होता, इट वुड हैव बीन बेटर इफ इट वुड बी लाइक दिस. लोगों ने ऐसा नहीं सोचा, जो भी उन्हें मिला वो उठा लिया. एंड दैट इरा वॉज कॉल्ड एज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन और प्रोडक्शन कंसेप्ट, राइट? फिर एक समय आहिस्ता आहिस्ता ऐसा आया कि प्रोडक्ट जो है ना अपने आप से बिकने बंद हो गए, लोगों ने उन्हें परचेज करना बंद कर दिया, बंद नहीं किया, क्वेश्चन करना उन्होंने शुरू कर दिया. एंड व्हेन दिस वाज हैपनिंग, देन मार्केटर्स हैव रियलाइज्ड कि नाउ इज द टाइम व्हेन द प्रोडक्ट्स विल नॉट सेल ऑन इट्स ओन, बट वी हैव टू पुश इट. इनको पुश करना पड़ेगा, और पुश करना पड़ेगा का मतलब क्या है, इन्हें सेल करना पड़ेगा. एडवर्टीजमेंट्स वॉज ओनली पार्ट ऑफ इट, इट वॉज एक्चुअली केम लेटर ऑन इन टू मार्केटिंग ओरिएंटेशन, बट सेल्स ओरिएंटेशन वॉज पुश द प्रोडक्ट, मे बी पर्सनली, मे बी लेटिंग दैम द पीपल नो द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो इस तरह से आपका जो है ना सेलिंग के ऊपर जब एम्फेसिस किया गया, तो वो इरा आपका था सेल्स ओरिएंटेशन का, ठीक है जी. फिर एक समय ऐसा आया जब सेल्स के ऊपर पूरा ध्यान देने के बाद भी लोग नहीं खरीद रहे थे. अभी होता है ना, आपके पास कोई आता है, वो कितनी कोशिश करता है लेकिन आप नहीं लेते हैं, है? सो दिस वॉज द इरा वेन पीपल हैव रियलाइज कि समथिंग इज ग्रॉसली रॉन्ग, कुछ जो है ना बड़ा गड़बड़ हो रहा है. और वो गड़बड़ आपका क्या है? बिकॉज सी देवर प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड देर वर पीपल हु ट्राइंग टू सेल इट, नॉट कंसिडरिंग व्हाट इज इट दैट द कंज्यूमर वॉन्ट. आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी ने उसे बना दिया, वो आपके पास बेचने आ गया, तो ज़रूरी नहीं आप उसे खरीदेंगे, ठीक है जी. तो अब मार्केटिंग ओरिएंटेशन एक बड़ा ही इनोवेटिव एक इरा था, जिसमें क्या कहा गया कि लेट अस शिफ्ट द वे वी हैव बीन डूइंग मार्केटिंग नाउ. Let us first understand what consumer want and then make that thing what he is expecting from us to make. और फिर ये उसे अगर हम देंगे तो maybe he will accept it. Rather than blindly just whatever we like to produce, we keep on producing and just keep on making it available to the consumer. और ये ना ध्यान रखें कि उसको चाहत, उसकी चाहत है इस चीज़ की कि नहीं है, right? जब ये हुआ तो हमने बात करी marketing orientation की. तो marketing एक वो era था marketing orientation वाला, जिसमें द थिंग्स वर चेंजिंग, थिंग्स वर चेंजिंग फ्रॉम, कहाँ से चीज़ें बदल रही थी कि एक दौर था जब मार्केटर ये कहता था कि दिस इज़ व्हाट आई हैव प्रोड्यूस्ड, वॉन्ट यू प्लीज बाय इट, कंज्यूमर को. अब जो है ना दौर ये आ गया जहाँ पर कंज्यूमर ये कह रहा है कि दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट, वॉन्ट यू प्लीज प्रोड्यूस इट, राइट? तो अब कंज्यूमर को जो चाहिए वो चीज़ें बनाएं और वो उन्हें दें. ये जब था तो ये आपका मार्केटिंग ओरिएंटेशन था. उसके बाद सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट आया. सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या था? ये कहता है कि जो भी आप कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है. आपकी मार्केटिंग जो है वो आपकी सोसाइटी को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए. तो ये मोटे तौर पर आपका क्या है, एक इवोल्यूशन है मार्केटिंग का. दिस इज हाउ द मार्केटिंग हैज इवॉल्व्ड.
Now, very much important to understand from here is this. I can break this down, in fact not I, but it can be broken down into two parts. इनको दो parts में जो है ना break down किया जा सकता है. और ये दो parts हैं आपके production and sales at one end and marketing and societal marketing at other end. And we call it paradigm shift. हम इसको एक paradigm shift बोलते हैं. Paradigm का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व, एक बहुत large scale के ऊपर किसी चीज़ का होना. Now let us first try to distinguish this side of the shift and with that side of the shift. एक जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, इनके डिफरेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. ये कहा जाता है कि जो प्रोडक्शन और सेल्स है, दिस इज बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स ओरिएंटेड. मैन्युफैक्चरर ओरिएंटेड का मतलब क्या था? प्रोडक्शन कंसेप्ट में जो मैन्युफैक्चरर ने चाहा वो बनाया, और सेलिंग कंसेप्ट के अंदर उसने उसी को बेचने की कोशिश करी. मैन्युफैक्चरर यानी कि मैन्युफैक्चरर का इरा था वो. नीचे वाले आपके दो कौन से हैं? मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड सोसाइटल मार्केटिंग. इसमें अब ये मैन्युफैक्चरर से शिफ्ट होके कहाँ आ गया? कंज्यूमर के पास. यानी कि जो कंज्यूमर चाहता था, लोगों ने उसे बनाने की कोशिश करी और वो उन्हें बनाकर दिया. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज वी आर लुकिंग एट द शिफ्ट, शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर. एंड दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ पैराडाइम शिफ्ट. ये एक पैराडाइम शिफ्ट था जो हो रहा था आपका मार्केटिंग के अंदर. एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. एंड लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट हैज बिकम विद टाइम. किस तरह से ये समय के साथ आपका जरूरी बना और आज के संदर्भ में ये किस तरह से मार्केटिंग का बेस बना हुआ है, राइट? इस शिफ्ट के साथ अगर हम बात करें, आपने फोर पीस का नाम सुना है? फोर पीस, व्हाट आर दीज? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इनकी अगर इसके संदर्भ से भी शिफ्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो देखो, जब प्रोडक्शन या सेल्स कंसेप्ट था, सेल्स ओरिएंटेशन था, तब क्या होता था? फर्स्ट पी विच इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या होता था? जो उसने चाहा वो बनाया, राइट? प्राइस, जो उसने चाहा प्राइस रखा. प्लेस, जहां वो चाहता था वहां बेचता था. प्रमोशन, करता भी तो भी, ना करता तो भी, राइट? सो इट वॉज ऑल इन टू हिज हैंड. नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. अब अगर दूसरा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट की अगर बात करें, या आपका हम दूसरा मार्केटिंग ओरिएंटेशन की बात करें, तो वहां पर चारों पीस क्या हो गए थे? कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गए थे. अब प्रोडक्ट क्या था? जो कंज्यूमर चाहता था वो बनाने लगे लोग. प्राइसिंग, एंड व्हेन वी विल डू प्राइसिंग आई विल टेल यू. इवन कंज्यूमर टुडे हैज हिज से इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइस को भी कमांड जो है कंज्यूमर आज करने लगा है. ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप कुछ भी बनाए और उसका कुछ भी प्राइस रख दे और वो आपका चलेगा, ऐसा नहीं है. प्लेस, प्लेस कंज्यूमर की सहूलियत के हिसाब से आज है कि नहीं है. इफ देयर इज अ चेंज, द मैमथ चेंज विच वन मे विटनेस इन टाइम्स टू कम, इट इज गोइंग टू बी इन प्लेस. प्लेस का मतलब क्या था? जहां पर प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है. पहले कहां अवेलेबल कराया जाता था? किराना स्टोर्स या फैक्ट्रीज से ही उठा लो, पुराने, बहुत पुराने जमाने में. अब क्या हो गया है? यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर. आज आप फ्लिपकार्ट पे कीजिए, अमेजन पे कीजिए. डू यू नो दैट मे बी द टाइम विल कम व्हेन यू विल नॉट बी गोइंग आउटसाइड फॉर एनी लिटिल थिंग. किसी भी चीज़ के लिए जाएंगे भाई, नमक और हल्दी तो आने लग गई ऐप से, हैं? डू यू नो दिस? हैं, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें नमक, हल्दी, चीनी, जो भी आप ऑर्डर कीजिए वो आपके घर दे जाएंगे. छोटी चीज़ से शुरू कर लीजिए. अब बड़ी चीज़ की बात कर लेते हैं. डू यू थिंक दैट द टाइम विल कम व्हेन द प्रोडक्ट्स लाइक कार, ऐसी चीज़ें भी आपकी फ्लिपकार्ट पे बिकेंगी? हाँ, कभी सिद्धार्थ ने गाड़ी लेनी होगी, फ्लिपकार्ट पे जाएगा, करवा दी, खरीद ली और उसके घर गाड़ी आके छोड़ गए, ऐसा होगा? डू यू नो रिसेंटली फोर्ड हैज लॉन्च इकोस्पोर्ट, है ना? उन्होंने अभी अभी नई इकोस्पोर्ट लॉन्च की है. द फर्स्ट कार्स दैट दे हैव मेड अवेलेबल टू द पब्लिक वाज ऑनलाइन. 9th नवंबर वाज द डेट व्हेन दे हैव ऑफिशियली लॉन्च देयर न्यू इकोस्पोर्ट. और उन्होंने 3 या 4 तारीख के आसपास अमेजन पे शायद अपनी गाड़ियां जो है वो अवेलेबल कराई थी बुकिंग के लिए. 150 कारें दैट पीपल कैन गो ऑनलाइन एंड कैन बुक विद देयर एड्रेस एंड ऑल. एंड इन नो टाइम ऑल द 150 कार्स वर बुक्ड. अभी लोगों को पता नहीं है कि कैसी दिखेगी, फिजिकली नहीं देखा है, ऑनलाइन देख लिया होगा, उनको टेस्ट ड्राइव भी नहीं करके देखा उस चीज़ को. कार जैसा प्रोडक्ट
जब 70 लोगों से आप बात करते हैं भाई कैसा है, माइलेज कैसी होगी, हाँ पेट्रोल इंजन भी उसका जो है सेल हुआ है, पेट्रोल इंजन वॉज अ न्यू इंजन अंडर द हुड, यू आर सीइंग अ न्यू मोटर फॉर फोर्ड इको स्पोर्ट, वो भी लोगों ने नहीं देखा कैसा था लेकिन बुक कर दिया। अब आप ये देखिए कि किस तरह से लोगों का जो प्रभाव है और जो उनकी आदत है, जो उनका परचेज बिहेवियर है, वो चेंज हो रहा है। कार जैसी चीज़ भी आपकी जो है ऑनलाइन बिकनी शुरू हो गई है, तो मे बी वो दिन आपका जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा जब आप बैठे बैठे ऑनलाइन पे सब कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी खरीद रहे होंगे। तो इसको बहुत ही आसानी से एक पैराडाइम शिफ्ट बोला जा सकता है। सो दिस इज द पैराडाइम शिफ्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो प्लेस इज समथिंग विच इज गोइंग टू सी लॉट ऑफ चेंज इन द टाइम्स टू कम। प्रमोशन के बारे में हम इसी क्लास में ही बात करेंगे, शायद आज ही इसके ऊपर बात भी हो जाए कि किस तरह से प्रमोशंस भी आपके जो है आपकी कोशिश करेंगे। सो हैव यू हर्ड अबाउट मैकार्थी, जो बीबीए हैं नीरज मैकार्थी, नहीं सुना इनके बारे में? फोर पीस आपने सभी ने सुना है राइट? फोर पीस जो है वो मैकार्थी ने दिए थे, ये कहते हैं प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, ये चारों पीस जो है वो मैकार्थी ने दिए थे, ठीक है जी। एक पेपर है ओरिजिनल पेपर, वो आप सभी को पढ़ना चाहिए, आई विल ऑल्सो ट्राई टू सेंड दैट पेपर टू यू। दैट पेपर इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स राइट। जो फोर पीस हैं उनको जो है ना मार्केटिंग मिक्स भी बोला जाता है। इफ एनी वन ऑफ यू हैव डन बीबीए और हैव रेड अबाउट मार्केटिंग देन यू वुड नो इट। चार पीस के मिश्रण को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। नाउ दो वी से दैट मैकार्थी इज बिहाइंड द फोर पीस, ये याद रखने की बात है। इट इज ऑल्सो वाइवा क्वेश्चन राइट, कि फोर पीस आपके मैकार्थी ने दिए थे बट ओरिजिनली मार्केटिंग मिक्स जो है वो किसने दिया था? नील एच बोर्डन ने। ही रोट अ पेपर विद द नेम द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, आई विल शेयर दैट पेपर विद यू राइट। बट लेटर ऑन एक्चुअली व्हेन नील एच बोर्डन हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग मिक्स, ही हैव टॉक्ड अबाउट सो मैनी थिंग्स, mix them together and that becomes marketing mix. With time इन चीज़ों को क्या किया गया आपका, थोड़ा सा suppress कर दिया गया, categories बना दी गई, और जो popular हुई जो चार categories वो थी four P's, product, price, place and promotion, और ये कहा जाता है कि ये मैकार्थी ने दिया था जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है right? Then when we were shifting and when we were talking of this shift from production to marketing or from sales to marketing, then we are actually going from the era of McCarthy to Robert F. Lauterbone. इन्होंने concept दिया four C's का। As the four P's are popular, you should also know about four C's. आपको four C's का भी पता होना चाहिए। What Robert has done, he has replaced product with customer. He has replaced price with customer cost. He has replaced place with convenience, and promotion was replaced by communication. Now, how is it making sense? Product, price, place and promotion, अभी थोड़ी देर पहले we were talking कि it is from the manufacturer's perspective, ये manufacturer's के perspective से था। अब Robert साहब ने जो दिया वो क्या दिया? Consumer के perspective से। He said, do not talk about product which is produced by the manufacturer. Let us talk about the solution of a customer. Right? So, product was replaced by customer. Let us not talk about the price which a manufacturer sets for his product. Let us talk about the cost of consumer. When consumer will buy it, when customer will buy it, what cost he is going to incur in it. Right? Do not talk about place. Where will you sell? Talk about the convenience of consumer. Where he would like to buy from. वो कहाँ से खरीदने की ना कोशिश करेगा, उसके लिए क्या convenient रहेगा खरीदना, उसकी बात करें। Do not talk about promotion. Talk about communication. कि किस तरह से कम्युनिकेट एक कंज्यूमर से करा जा सकता है। सो द चेंज दैट वी आर विटनेसिंग हियर इज अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ डूइंग मार्केटिंग। जो आइडियोलॉजी थी उसके अंदर हम बदलाव की बात कर रहे थे। पहले सारा का सारा एक मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होने लगा है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जगदीश सेठ। जगदीश सेठ का नाम सुना है आप लोगों ने? हु इज ही? वी हैव हिज फोटो इन आवर गैलरी, है ना? He is Indian origin. He is a management guru, and it was him who have contributed this evolution. And he gave four A's. Right? He is a very very popular author. He has written so many marketing books, and he is called as the father of four A's.
So when today you have heard about 4 P's, you should also know about 4 C's and you should also know about 4 A's which Jagdish Seth has given. Jagdish Seth has done nothing but he has actually become more customer centric. वो और ज़्यादा customer centric हो गया. जहाँ पर रॉबर्ट साहब कह रहे थे कि product की बात ना करके customer के solution की बात करें, Jagdish Seth said do not talk about customer solution, talk about whether he will accept this or not. Talk his acceptability from the customer's point of view. When Robert was saying let us talk of customer cost, Jagdish Seth said no, ask and think about the affordability of the consumer. Kya consumer ise afford kar payega? When Robert was saying talk about the convenience of consumer, Jagdish Seth said talk about the availability. Availability ek aisa term tha jo ye kehta tha ki har jagah product available hona chahiye consumer ke liye. Communication Robert was saying and Jagdish Seth said awareness. Marketer's task does not finish when he has given a communication. He should ensure whether the consumer has received this communication or not, or he has become aware about your product or not. So the difference between McCarthy, Robert and Jagdish was that now we are evolving and getting more and more customer centric, right? And this shift is about. ये जो है ये इस shift की यहाँ पर बात हो रही है. ये समझ आया? Now, one more very important thing, and I will spend some time on this. इसके ऊपर हम बात करेंगे. एक और बदलाव, one more paradigm shift that is taking place now. अभी जो एक और चीज जो हो रही है वो आप खुद तय करें कि वो सही है कि गलत है और क्या इसके बारे में कहा जाना चाहिए, बट ये आपका एक बहुत ही विरोधाभास से भरी हुई चीज है. ये है क्या? अनसेटिस्फाइड नीड्स का मतलब आप सभी समझते हैं, राइट? दोज नीड्स विच आर नॉट सेटिस्फाइड. सो वट यू डू, यू आर फीलिंग थ्रस्टी. There is a need, it is unsatisfied, so you would look after something which can quench your thirst, और आप उसे लेंगे और आप उसे पियेंगे जो भी होगा और आप अपनी प्यास को बुझा लेंगे. So that was unsatisfied need. Now marketer is no more into the business of unsatisfied need. Now he has shifted himself into the business of unrecognized need and try to make sense of what I am saying. ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि आज सारी marketing जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो unrecognized needs के ऊपर हो रहा है. Marketer is playing on to unrecognized needs. जो ये unrecognized needs हैं, इनके ऊपर marketer जो है वो play कर रहा है. What is happening? Because needs are basic, right? We have looked at into the first few slides of today's talk only कि need is very basic. अब उसकी भूख की need है, someone is hungry, उसको आप जो है खाना दे दो, उसकी need satisfy हो जाएगी. But unrecognized need जो है वो एक ऐसी चीज है जो consumer को अभी तक पता नहीं था. मार्केटर ने इस पे खेलना क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया बिकॉज मार्केटर वाज नोइंग दैट इफ ही विल लिमिट हिमसेल्फ टू द बेसिक नीड्स ऑफ द कंज्यूमर दैट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. वो सर्वाइव ही नहीं, वो बिजनेस कैसे बढ़ाएगा अपना, राइट? फर्ज करो अगर आज तक सिर्फ रोटी ही चल रही होती पेट भरने के लिए, तो मैकडोनल्ड्स क्या होता है दुनिया में? हाँ, डोमिनोज क्या होता है इस दुनिया में? सबवे क्या होता? ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती. ये जो ये अनरिकॉग्नाइज नीड है, मार्केटर इज टीचिंग द कंज्यूमर्स और द पीपल हु आर कंज्यूमर्स कि ये नहीं, ये भी तो करके देखो. वो अभी तक कंज्यूमर नहीं जानता था कि अरे ऐसा भी कुछ है दुनिया में. वाओ, दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग. द लेटेस्ट एग्जांपल दैट आई वुड लाइक टू गिव यू फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड नीड इज यू हैव हर्ड अबाउट दिस फोग डिओडोरेंट, है ना? क्या चल रहा है? फोग चल रहा है, सभी ने सुना है ये. वट इज द पर्पज ऑफ दिस प्रोडक्ट? इस प्रोडक्ट का पर्पज क्या है? What is purpose of deodorant as a product? Body odor, absolutely. The prime purpose, the core utility of this product is to remove body odor. ठीक है ना? तन की दुर्गंध को भगाना आपका deodorant का काम है. Simple बात है. Deodorant थे पहले, X भी था, ठीक है ना? Rexona वाले ही बनाते थे, ये बड़े नाम थे deodorant segment में. अब जो है फोग आया और उसने कहा इस सैचुरेटेड मार्केट में मैं जगह कैसे बनाऊं? बिकॉज इफ यू वुड लुक एट द मार्केट शेयर बिफोर फोग कमिंग इनटू पिक्चर, यू विल सी दैट द एक्स हैज कवर्ड अ लार्ज चंक. ठीक है ना? एक्स के डिओडोरेंट लोग बहुत बिकते थे, लोग खरीदते भी थे. अब इतनी सैचुरेटेड मार्केट के अंदर मैं जगह कैसे बनाऊंगा? नाउ दे हैव प्लेड गेम. उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी नीश सेगमेंट बना लो जो लोगों को अभी तक पता ही ना हो. सो व्हाट दे हैव सेड कि गैस वाला परफ्यूम, गैस वाला डिओडोरेंट, ये कहा उन्होंने, राइट? सी आई मीन
नाउ ही हैज टॉट यू कि आप जो है ना ये गैस वाला परफ्यूम लगाते रहे हो, अब आप क्या करो लिक्विड वाला परफ्यूम लगाओ। गैस वाले परफ्यूम में मज़ा ही नहीं है, लिक्विड वाले में मज़ा है। अब कम ऑन, व्हाट आर यू टॉकिंग, क्या फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों एक ही तो काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि अगर ये कहेंगे कि लिक्विड वाला परफ्यूम तो ये क्या कह देंगे, आई एम द पायनियर इन लिक्विड परफ्यूमिंग या लिक्विड डिओड्रेंटिंग में मैं हूँ। अब आई टेल यू द टाइम विल कम व्हेन यू पीपल विल फील अशेम्ड ऑफ यूजिंग गैस वाला परफ्यूम। आपसे कोई कौन सा परफ्यूम लगाते हो? गैस वाला है, आज तक गैस वाला लगा रहे आदम के जमाने का आदमी। ही हैज ब्रेन वॉश्ड यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? हैव यू एवर इमेजिनड कि नहीं मुझे गैस वाला नहीं लिक्विड वाला लगाना चाहिए? हैज द आइडिया एनी टाइम केम टू योर माइंड? कभी नहीं आया आपके दिमाग में? इन्होंने क्या कहा ये पता ही नहीं उनको, उनको रिकॉग्नाइज तो कराओ ये चीज कि ऐसे भी परफ्यूम होते हैं, और उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं, उन्होंने तो लर्न भी करा दिया आपको कि अब जमाना गया। किसका जमाना गया? गैस वाला। अब वो लिक्विड वाला चल रहा है, फोग ही चल रहा है, फोग मतलब लिक्विड वाला। इफ यू वुड लुक एट द नंबर्स देन यू विल रियलाइज कि आपका जो ये लिक्विड वाला है ये हो सकता है ज्यादा ही लगता हो। इफ यू वुड लुक एट द वेट थिंग अबाउट इट, क्यों? द स्प्रे कवर्स लार्जर पार्ट ऑफ योर बॉडी, द गैस थिंग, द लिक्विड कवर्स द स्मॉलर पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो Fog says you have to do 4 sprays if you want to cover the equivalent amount of area which you would have done using X, which is a gas-based deodorant. So ultimately, end of the day, उतना ही आपको output चाहने के लिए हो सकता है fog आपका ज़्यादा लगे, लेकिन आप लगा रहे हैं और आप ashamed भी feel करेंगे। मैं नहीं लगा रहा, कोई लगा के भी आएगा ना कहेगा नहीं नहीं मैंने गैस वाला लगाते ही नहीं, छोड़ दिया मैंने तो, use ही करना छोड़ दिया इतने दिन हो गए। And this is what they are coming to this point, unrecognized need. He is making you to recognize this. Is jeans our attire? क्या जीन्स हमारा प्रोडक्ट है? कोई है ऐसा यहाँ पर जो जीन्स ना पहनता हो? सारे पहनते होंगे मेरे हिसाब से, राइट? कहाँ से आया ये? अमेरिका से आया। अब मार्केटर क्या, भारत कितनी बड़ी मार्केट है, कपड़े तो सभी पहनते हैं, इन्हें सिखाओ जीन्स पहनना। उन्होंने, हमने नहीं सोचा पहले, उन्होंने सिखाया हमें, हमें रिकॉग्नाइज कराया कि भाई ये भी तो है। ओके, बुलेट क्यों खरीदते हैं लोग? टशन, टशन भी तो है दुनिया में। अगर सिंपल आना जाना होता तो प्लेटिना ही बहुत थी भाई, सही बात है ना, प्लेटिना ही बहुत थी। पल्सर, पल्सर भी तो चाहिए, नंबर भी तो बनाने हैं। तो ये क्या है, मार्केट ने रिकॉग्नाइज कराया कि लुक गुड। चार्ल्स रेवसन का नाम सुना है? चार्ल्स रेवसन, चार्ल्स रेवसन, रेवलन इंडस्ट्रीज, रेवलन लड़कियों ने सुना होगा, इनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, नेल पॉलिश, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसकी एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि जब ये लोग नेल पॉलिश बनाते थे ना रेवलन वाले, तो दे वुड मैन्युफैक्चर वन नेल पॉलिश, और वो एक बार खरीद लिया किसी ने, वो 6 महीने ख़त्म ही नहीं हो रही। ऐसे कैसे कंपनी चलेगी, 6 महीने तक बैठे रहेंगे क्या? नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने फिर से अनरिकॉग्नाइज की तरफ जाना शुरू किया। अनरिकॉग्नाइज की तरफ कैसे जाना शुरू किया? सिखाना पड़ेगा लोगों को कुछ। क्या सिखाना पड़ेगा? दीज आर द पीपल हु हैव नाउ कम आउट लाउड एंड क्लियर एंड दे हैव सेड डू नॉट यूज नेल पॉलिश टू कवर योर नेल्स, राइट, यूज इट टू लुक ब्यूटिफुल। ठीक है ना, सुंदर दिखने के लिए इसे यूज करो। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिफरेंट शेड्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स। पार्टी में जा रहे हो रेड, है ना, सिंपल जा रहे हो ग्रीन लगा लो, कॉलेज में जाना है सफेद, कहीं और जाना है। अब जी, व्हाट इज इट डूइंग, ही इज ब्रेन वॉशिंग, मार्केटर इज ब्रेन वॉशिंग, ही इज कमिंग ऑन टू अनरिकॉग्नाइज्ड नीड। पहले आप नहीं सोच रहे थे ऐसा, तो अब क्या, इसके साथ उन्होंने क्या किया, दिन में तो पार्टी में गए थे लाल लगाया, शाम को जाना है कहीं ऐसे जगह पे जहां लाल भड़केला लगेगा, तो उन्होंने क्या किया, नेल पॉलिश उतारने का एक प्रोडक्ट और लॉन्च कर दिया। क्या बोलते हैं उसे, थिनर, रिमूवर, जो भी है। नाउ सी, देयर वाज वन प्रोडक्ट एंड आउट ऑफ दिस ही हैव डन व्हाट, उसने 2-3 प्रोडक्ट्स और बना के बेचने कर दिए। इससे क्या हो गई, एंड यू विल, व्हेन यू विल रीड अबाउट दिस रेवलन स्टोरी, यू विल रियलाइज द सेल्स हैव इंक्रीज मल्टीफोल्ड। चार्ल्स रेवसन हैज सेड, आई एम नॉट सेलिंग नेल पॉलिश इन मार्केट, I am selling hope to look beautiful. That's what his statement is. मैं एक
होप बेच रहा हूँ लड़कियों को कि वो सुंदर लगेंगी नेल पॉलिश से, मैं नेल पॉलिश नहीं बेच रहा. एंड दिस हैज स्टक अनरिकॉग्नाइज्ड, लड़कियों ने सोचा ही नहीं. अच्छा, सच अ वंडरफुल थिंग. एंड दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. सो अनसेटिस्फाइड तो वो सेटिस्फाइड हो चुके हैं भाई, उन पे अब गेहूं है. गेहूं के कितने ब्रांड्स होंगे? आशीर्वाद बिक रहा है, एक आधा और होगा, हाँ पतंजलि आ गया अभी. अब गेहूं जैसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कमोडिटी बोलते हैं, उनमें ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है. ठीक है, बस अपना नाम लगा दो और बेच दो. असल डिफ्रेंशिएशन जो है वो गेहूं में है ही नहीं. ठीक है ना, एक किस्म का गेहूं है उसको 70 नाम से बेच दो, अंदर तो वो सेम ही है ना. एक रामफल के खेत से गेहूं खरीदा, 10 जगहों ने अपना नाम लगा के बेच दिया, वो बात तो एक ही हुई, उसमें तो कोई फर्क नहीं है. सो दिस इज व्हाट अनसेटिस्फाइड नीड. को नीड तो ऑलरेडी सैचुरेटेडली सेटिस्फाइड है. अब हम गेम कहाँ खेलें? अब हम गेम वहाँ खेलें लोगों को पागल बनाओ, और पागल बना के लोगों से पैसे निकलवाओ, और वो हमारी चीज़ों को लेंगे और हमारी चीज़ों को यूज़ करेंगे और हम और आगे बढ़ेंगे. इन्होंने ही हमें सिखाया कि प्लेटिना नहीं, पल्सर तो मिनिमम होने चाहिए. घर वालों से लड़ाई करनी है, भाई आ जाइए शाम को, घर वाले मनाने हैं, क्या करना है? पल्सर, स्प्लेंडर दिला रहे हैं वो तो, स्प्लेंडर पल्सर चाहिए. ठीक है ना, व्हाट इज दिस? ये सिखाया गया है भाई, ये हम कोई हम में से सीखने नहीं आया, ये अनरिकॉग्नाइज नीड है आपकी. और उसके बाद क्या होता है, अगर एडिडास का जूता पहना है तो ऐसे पैर बार बार ऊपर उठता होगा भाई, देखिए तीन पट्टी इधर है. तो ये क्या है, सिखाया गया है हमें. सो दिस इज द शिफ्ट दैट, एंड आई टेल यू द मार्केटिंग इज एट अनरिकॉग्नाइज नीड बट नॉट एट अनसेटिस्फाइड नीड. वो अनसेटिस्फाइड नीड पे मार्केटिंग नहीं, वो हो ही नहीं सकती, वहाँ उसका स्कोप उतना नहीं है. अनरिकॉग्नाइज नीड्स पे ज़्यादा स्कोप है. अनरिकॉग्नाइज का मतलब आपको नहीं पता, आपको बताया गया, आपको सिखाया. रेस्टोरेंट में भी जाके खाओ, घर क्या करोगे? व्हाट इज दिस कैफे कॉफी डे? सीसीडी, वेरी गुड आंसर, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. सीसीडी वाले का बिजनेस क्या है? सीसीडी का व्हाट आर दे डूइंग? यस, दे आर नॉट सेलिंग कॉफी, कॉफी नहीं बेच रहे हैं वो. ठीक है ना, स्टेटस तो दे ही दे रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अ स्पेस टू सिट एंड चैट. ठीक है, सिटिज्म करके इनका एक कैंपेन आया था, आप लोगों ने देखा हो तो, ये तो देख लिया करो. बीएसआरएम की पढ़ाई तो नहीं की, ये तो देख लो, एड्स देखना शुरू करो. सो दिस इज व्हाट, उन्हें पता है कि कॉफी के लिए नहीं आते हैं लोग. कॉफी तो घर में मिल जाती है, पनीर घर में ही बन सकता है, दाल घर में ही बन सकती है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड. इनको सिखाओ कुछ है? जब तक अभी एक बड़ा फैंटेस्टिक ना, आई टेल यू, ये जो विनी कॉस्मेटिक्स वाले हैं, विनी फोक जो है वो विनी का ही है. इन्होंने अभी अभी एक परफ्यूम लॉन्च किया है, उसमें क्या कह रहे हैं, ये है ब्लैक प्लेन शर्ट और ये है, ये तो बताओ है, ये है फोग परफ्यूम्ड शर्ट. एक ब्लैक प्लेन शर्ट को एक परफ्यूम्ड शर्ट में कन्वर्ट कीजिए. अब वो आई टेल यू, ये जो है ना, ये आपको एकदम से स्टक करेगी ये चीज. ये है वाइट प्लेन शर्ट और ये है वाइट फोग परफ्यूम शर्ट. अगर कुछ करना है तो ये सी ही इज डूइंग व्हाट, आपको रिकॉग्नाइज करा रहा है. आई मीन आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ही इज मेकिंग यू टू रिकॉग्नाइज कि प्लेन शर्ट नहीं पहननी है भाई. और इसका फायदा सिर्फ आपको विनी कॉस्मेटिक्स वालों को नहीं हो रहा है, इसका फायदा पूरी डिओड्रेंट इंडस्ट्री को हो रहा है. बट ही इज सेलिंग दिस आइडिया विद हिज ओन नेम कि आप फोग परफ्यूम लगाओ तब तो आपकी वाइट शर्ट जो है ना वो थोड़ी सी बनेगी, अदरवाइज क्या फायदा हुआ वाइट शर्ट खरीदने का. तो दीज आर अनरिकॉग्नाइज्ड नीड्स. एंड आई गिव यू वन वेरी अनफॉर्मल असाइनमेंट विच यू कैन डू, और आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. जब भी आपको टीवी देखने का मौका मिले, यू लुक एट द कमर्शियल्स. कमर्शियल्स का मतलब एडवर्टीजमेंट्स देखना, आप 50 एडवर्टीजमेंट्स देखना और नोट करना, और उनमें से फिर आप देखना कि कितनी एडवर्टीजमेंट्स अनसेटिस्फाइड नीड के ऊपर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और कितने अनरिकॉग्नाइज्ड के ऊपर बेच रहे हैं. एंड यू विल रियलाइज कि मार्केटिंग बैटल फील्ड इज अनरिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान तो बहुत था सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड के लिए. अब जब वो पिज्ज़ा बेच रहे हैं तो वो दूसरा मामला कर रहे हैं, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, एंड मार्केटर इज टीचिंग यू, एंड यू नो दे आर चेंजिंग योर कल्चर. वो आपका कल्चर भी बड़े बुरे तरीके से चेंज कर रहे हैं.
वो कैडबरी वाला एक फेमस एग्जांपल है, मीठा हो जाए कुछ, हाँ कुछ मीठा हो जाए. यू नो दे आर प्लेइंग विद योर कल्चर एंड व्हाट इज दैट, दे आर रिप्लेसिंग इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट्स विद चॉकलेट्स. तो ये आपके कल्चर के साथ एक गेम हो रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड नीड्स. ओके, देन विद दैट वन वेरी सीरियस क्वेश्चन, इज कंज्यूमर रियली अ किंग टुडे? हम नीड बेस्ड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर को चाहिए वो बनाओ और वो उन्हें दो, तो कंज्यूमर किंग हुआ. हम बात भी ये करते हैं, हाँ, इज इट राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद इट दैट कंज्यूमर इज रियली अ किंग? अ किंग विद नो पावर्स, प्रेसिडेंट. अच्छा, कितने मानते हैं कि हाँ ये किंग है और पावर भी है इसके पास? हाँ, देर आर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बिहाइंड कि कंज्यूमर इज नॉट अ किंग एंड देर आर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बिहाइंड कि कंज्यूमर इज अ किंग. दोनों तरह के तर्क हमारे पास हैं. नाउ फॉर एग्जांपल, लेट अस डिस्कस अ केस, विक्स वेपोरब. हाँ, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट इट. क्या है विक्स वेपोरब? जुकाम हो गया, गला खराब हो गया, तो आपने उसे लगा लेना है. डू यू नो हाउ इट हैज इवॉल्व्ड, किस तरह से आया? इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट इन द सेंस कि वो बहुत जल्दी आराम करता है, ठीक है ना. जब इन्होंने शुरू शुरू में इसे लॉन्च किया तो इन्होंने कहा, जो इनका प्रमोशनल स्ट्रेटजी थी, तो इन्होंने कहा कि विक्स वेपोरब लगाइए और सारा दिन ऑफिस में आराम से काम कीजिए, क्योंकि सिर दर्द नहीं होगा, आराम से काम करोगे, है जी, जुखाम नहीं रहेगा, आराम से शांत मन से पूरा दिन काम करोगे. व्हाट पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग, जिनको जुखाम था उन्होंने लगाने की कोशिश करी, उनका जुखाम तो ठीक हो गया लेकिन दूसरों की नाक खराब हो गई जो साथ में बैठे थे, राइट? एंड देन द सेल्स हैव स्टार्टेड गेटिंग डाउन एंड दे हैव नेवर पिक्ड अप एक्चुअली. देन विक्स हैज टेस्टेड इट्स प्रोडक्ट एंड दे रियलाइज कि इट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. वो असल में जुकाम ठीक कर रहा है, वो असल में सिरदर्द भी ठीक कर रहा है, वो गला भी ठीक कर रहा है, लेकिन बिक क्यों नहीं रहा? और ऐसा कोई भारी हैवी कंपिटिटर भी नहीं है. कारण क्या है? दे हैव डन अ स्टडी, दे हैव डन अ रिसर्च, दे रियलाइज्ड कि दिस पंजेंट स्मेल ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मेकिंग द पीपल फील अनकम्फर्टेबल. इस कमरे में अगर किसी ने विक्स लगाया है तो पूरी क्लास को पता चल जाएगा आज कोई विक्स लगा के आया है, और वो बचेगा, मैं जुकाम हुए महीना हो गए मैंने नहीं लगाया, ना ना. तो ये क्या है? आपका पीपल वर फीलिंग अशेम्ड ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट, राइट? अब इस वजह से एक इतना अच्छा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है. सो दे हैव सेट, दे हैव डिस्कस्ड व्हाट शुड बी डन एंड देन समवन गेव अ वेरी वेग आइडिया. दे हैव गोन बैक टू देयर इंजीनियर्स, अपने लैब में वापस गए वो, और लैब में जाने के बाद उन्होंने कहा टेक्नीशियन से कि इसकी स्मेल कम करो जरा. And when they try to reduce this pungent smell, they realized that the effect of this product is also getting down, which means the chemical, whatever they would be using, that was actually responsible for that pungent smell, and that chemical is also responsible for the relief. So if they reduce its quantity and gravity, then the effect of this product is also getting down. Now it is a problem. Ab kya karein? Then someone out of blue gave an idea ki reposition kar do. कंज्यूमर तो पागल है, उसे क्या पता, दूसरे तरीके से बता दो उनको, ऐसे यूज करो. रीलॉन्च्ड, दे हैव रीलॉन्च्ड इट. और तब उन्होंने क्या किया, शाम को लगाओ, चैन की नींद, सो जाओ. पूरा दिन ऑफिस में काम करके आए हो, थकान हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, कईयों को जुकाम भी हो जाता है, लगाओ शाम को, सो जाओ. जब ये हुआ, यू विल नॉट बिलीव, इनकी जो सेल्स थी वो डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गई. क्यों? शाम को नंबर नहीं बनाने किसी के सामने, सोना ही है, और सिरदर्द तो ठीक ही हो रहा है, तो पंजेंट स्मेल को वो कम नहीं कर सकते थे, अदरवाइज प्रोडक्ट गड़बड़ हो जाता. अब उन्होंने क्या, कंज्यूमर का खुद का दिमाग नहीं था? जब मार्केटर ने बोला सुबह लगाओ, सुबह ही लगाएंगे, शाम को नहीं लगा सकते ना. शाम को नहीं लगाना बोला. अब जब मार्केटर ने बोला शाम को लगाओ, अब शाम को लगाना है, शाम को लगा, अब ठीक है, तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया. आई मीन पीपल आर्ग्यू दैट दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर इन कंज्यूमर डू नॉट अप्लाई देयर ओन माइंड एंड अनलेस दे आर टोल्ड टू डू समथिंग दे डोंट डू एंड हेंस कंज्यूमर मे नॉट बी ट्रीटेड एज अ किंग एंड देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दिस. जहाँ पर जो मार्केटर ने कहा वो उसने किया, जबकि कंज्यूमर के पास ऑप्शन था कि वो दूसरे तरीके से उसे करता तो आपका काम भी
कर सकता था, बट जब तक मार्केटर नहीं कह रहा है तो कह रहा है अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, इनको सुबह बोल दो सुबह लगा लेते हैं, इनको शाम को बोल दो शाम को लगा लेंगे। मैगी किस टाइम खानी चाहिए? हाँ, स्कूल से आके। डू यू नो हाउ मैगी हैज पोजिशन इटसेल्फ? देर वॉज अ बिग डिबेट कि हाउ टू लॉन्च मैगी। जब मैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको बताऊंगा, देन आई विल टेल यू कि वट शुड बी द पोजिशनिंग ऑफ मैगी। पोजिशनिंग इन द सेंस कि हाउ शुड वी लेट द पीपल नो वेन टू कंज्यूम इट। ब्रेकफास्ट के टाइम तो नहीं, लंच भी नहीं, डिनर तो बिल्कुल नहीं, चलेगी नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया, बीच में फिलर की तरह। फॉर लास्ट 20 ईयर्स दे हैव बीन आस्किंग फॉर 2 मिनट्स ऑफ योर्स मैगी, जस्ट 2 मिनट्स नूडल, एंड यू आर हैप्पी। 2 मिनट्स फिलर इन बिटवीन, फीलिंग हंग्री, पेट भर गया। सो दीज आर वट एंड आई टेल यू, अगर वो ये कहते ना कि डिनर का इतना बढ़िया साधन है ये करने खाने का, तो हो सकता है आप मैगी खाते शाम को बैठ के। पिज्ज़ा कितने लोग डिनर की तरह खाते हैं पिज्ज़ा को, यहाँ पर है कोई? है? अभी आप नहीं खाते बिकॉज यू आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ योर पेरेंट्स, राइट? जब मैं शुरू में अपना MBA ख़त्म करके कॉरपोरेट में गया, जॉब करते थे तो शादी हुई नहीं थी, तो खाना मिलना नहीं, घर वाले साथ नहीं, तो बनाने में मज़ा नहीं। अगर मेड लगा ली तो हर रोज़ सब्जी कौन लाए, वो भी तो है ना, उसको ला के दो तो बनाएगी। तो क्या करना, आई टेल यू, मैंने इतने लोगों को देखा है शाम को क्या कहेंगे, पिज्ज़ा खाते हैं, खा लो पिज्ज़ा खा के सो जाओ। अरे पिज्ज़ा खा के सो गए, आज वो टाइम है जब डॉक्टर से कहते हैं शाम को खाना ही छोड़ दो आप, हैवी। वो एक कहावत है ना कि सुबह खाओ राजा की तरह, है ना, और दिन में किसकी तरह, रात को भिखारी की। सही बात है, रात को नहीं खाना चाहिए और पिज्ज़ा खा रहे हैं, और ऊपर से क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा चीज, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग। ओके, सो कंज्यूमर, मे बी इन कमिंग टाइम्स वी विल हैव अ डिबेट अराउंड इट कि क्या कंज्यूमर असल में किंग है, और ये आपका काम है, बिकॉज दिस विल बी पार्ट ऑफ योर सरप्राइज टेस्ट। यू बी रेडी, आप अपने एग्जाम्पल्स ढूंढिए जहाँ पर आपको ये लगे कि कंज्यूमर किंग है, ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढिए, ऐसे भी ढूंढिए जो ये सिद्ध करें कि कंज्यूमर किंग नहीं है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन डे वी विल डू अ डिबेट अराउंड इट, इज कंज्यूमर अ किंग और इज ही नॉट, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी विल डू इन कमिंग टाइम्स। जी उसमें दिखाता कौन है, अब जैसे फोन बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, फोन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फिर हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग दे रहे हैं ना। हाँ, लेते तो पसंद, ले तो पसंद के अकॉर्डिंग रहे हैं, आई डो नॉट वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन बट लेट अस टेक इट अदरवाइज। दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि आप में से लगाना शुरू किया वो लिक्विड वाला परफ्यूम, वैसे कितने लगाते हैं? तो पुराने जमाने के आदमी हो गए, एक वो लगाता है बस, हैं? गैस वाला लगाते हो? गैस वाला भी नहीं लगाते, गैस आप तो मार्केट ही डाउन कर रहे हो। अगर आज फोग, जस्ट इन रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, अगर आज फोग लोगों को ये मनवा चुका है कि लिक्विड वाला लगाओ गैस वाला ना लगाओ, तो इसका मतलब उसने क्या किया, आपको सिखा दिया ना, आपने मान ली उसकी बात, तभी तो वो चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मान के तो आज यहाँ आ गए कि हमारा पहनावा तो धोती था, जींस तक तो आ गए, थोड़ी थोड़ी मानते मानते, आर यू गेटिंग द पॉइंट? और आहिस्ता आहिस्ता अब क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अब ऐसा हो रहा है कॉस्मोपोलिटन। डू यू नो, प्लीज डू यू नो कैलोग्स कॉर्नफ्लेक्स, डू यू नो दे केम टू इंडिया इन 1990 में वो भारत में आए थे, फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध कर दोबारा चले गए थे वापस, अब दोबारा आ गए। इन रिप्लाई टू पायल्स क्वेश्चन कि जब वो आए 1990 के आसपास भारत में, तो उन्होंने इंडियंस को कहा कि सुबह सुबह कॉर्न फ्लेक्स का ब्रेकफास्ट करो। अब इंडियंस कहाँ मानने वाले थे, उन्हें चाहिए पराठा घी में डूबा हुआ,
और ऐसे करे तो पिच पिच की आवाज नहीं आई तो फिर फायदा क्या है, घी होना चाहिए बिल्कुल ऐसे डुबा के। अब उनका कॉर्नफ्लेक्स से पेट कैसे भरे, ठीक है जी। दैट वॉज योर कल्चर पायल इन 90s एंड दैट वॉज द टाइम वेन इंडियन इकोनॉमी हैज जस्ट ओपन्ड अप फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो लोग जानते नहीं थे कुछ तो वो वही खा रहे थे, उनको वापस जाना पड़ा बिकॉज दे कैन नॉट सेल, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे थे, नाश्ता हैवी चाहिए लोगों को। आज वही कॉर्नफ्लेक्स वाले हैं, ठीक है ना। आज सुबह यानी कि हुआ क्या है, इन्हीं लोगों ने आपकी आदत बदल दी, पराठे से कॉर्नफ्लेक्स पे ले आए, चलते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उस समय पर उनको वापस जाना पड़ा, आज कैलॉग्स वापस क्यों नहीं जा रहा, डू यू नो दे आर इन प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स में है तो एज अ कल्चर आप में बदलाव आया है। अब आप उन चीज़ों को, तो ये कौन सिखा रहा है भाई, कल्चर आपकी इतनी बड़ी चीज़ है, अगर वो उसे शेप कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके कल्चर को ही बदल दें, अगर आपको ये वो सिखा दें कि ये करना है ये नहीं करना है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा, राइट। एंड वी विल डू सच थिंग्स इन टाइम्स टू कम, जब स्पेसिफिक टॉपिक्स आएंगे तब हम इनकी बात भी करेंगे, ऑल राइट। ओके, तो इसके साथ दो तीन टर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं वेरी क्विकली। लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटर एंड प्रोस्पेक्ट। मार्केटर और प्रोस्पेक्ट में क्या फर्क है? मार्केटर तो जो मार्केटिंग करता है, प्रोस्पेक्ट है जो फ्यूचर कंज्यूमर आपका हो सकता है, राइट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? कस्टमर इज, यस, कंज्यूमर इज द वन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। कस्टमर इज जो परचेज करे, हो सकता है कंज्यूम ना करे। मार्केट प्लेस एंड मार्केट स्पेस, यस यस, एंड मार्केट स्पेस, मार्केट स्पेस इज डिजिटल, राइट। मार्केट प्लेस है फिजिकल प्लेस, दुकानें, मॉल, स्पेस है आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, ये मार्केट स्पेस है, राइट। सो वी विल कीप ऑन यूजिंग दिस टर्म्स। प्रोस्पेक्टस नहीं है, प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट है जो भविष्य में आपका कंज्यूमर हो सकता है, जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, इज अ प्रोस्पेक्ट टू यू, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, राइट। आज नहीं कोई सनसिल्क यूज कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा, क्या मैं इसे बेच सकता हूँ? अगर आपको लगता है हाँ, तो ही इज अ प्रोस्पेक्ट फॉर यू, राइट। ओके, क्या क्या मार्केट किया जा सकता है? कैन गुड्स बी मार्केटेड? यस, फिजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी मार्केटेड। सर्विसेज को मार्केट किया जा सकता है? यस। इवेंट्स को मार्केट किया जा सकता है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल शादी, हाँ, शादी को मार्केट किया, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच। उससे बड़ा मार्केटिंग का उदाहरण क्या होगा कि इवेंट्स को मार्केट किया जा सकता है, राइट। एक्सपीरियंसेस, यस, देर आर थीम रेस्टोरेंट्स अवेलेबल, राइट, दे गिव यू एक्सपीरियंस। पर्संस, कैन पर्संस बी मार्केटेड? क्या इंसान को मार्केट किया जा सकता है? यस, वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड पर्सोनिफिकेशन। शाहरुख खान, सलमान खान आर ब्रांड्स एंड दे आर बीइंग मार्केटेड, राइट। प्लेस, कैन प्लेस बी मार्केटेड? यस, वेरी वेल, एंड वी विल डू ऑल दिस। कैन ऑर्गेनाइजेशंस बी मार्केटेड? यस, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इनफैक्ट एवरीथिंग कैन बी मार्केटेड व्हाट यू कैन थिंक ऑफ। किसका? प्लेस का? इंडिया, इंडिया इज, चलो इसको एक बढ़िया सा एग्जांपल, ओल्डेस्ट सिटी भी छोड़ो, इंडिया एज ए नेशन की बात इनको, हाँ, समझ गए? ओके, वो समझ गया, गॉड इज सो काइंड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको ऑप्शन मिले आईआईएम में दाखिला लेने का और एक स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने को, कहाँ लोगे दाखिला? यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन, बिकॉज इट इज मार्केटेड, इट हैज़ अ ब्रांड नेम आईआईएम, राइट। तो ये आपका क्या है, एवरीथिंग कैन बी मार्केटेड। अगर आपको ऑप्शन मिले, गूगल वाले आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, एक कोई भी आपको ऑफर कर रहा है, आप गूगल में जाना चाहेंगे, गूगल इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी मार्केटेड, राइट। सो दिस इज वट कैन बी